आज हम बनाएंगे चॉकलेट मिल्क केक बाइट्स या चॉकलेट मिल्क केक बर्फी, जो बनाने में काफ़ी आसान भी है और खाने में तो काफ़ी टेस्टी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डार्क चॉकलेट। तो बस जितना आपको लेना है, एक कटोरी आधा कटोरी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। इसके बाद गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें मैंने डाला है एक गिलास दूध। दूध को अच्छे से बॉयल होने देंगे। जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद अपनी हम चॉकलेट्स के अंदर डालेंगे। देखिए दूध बिल्कुल चॉकलेटी हो गया है। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के। अब उसके बाद 2 टेबल स्पून चीनी। इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे, गाढ़ा एक डो तैयार करेंगे। तो बस लगातार चलाते हुए देखिए गाढ़ा हो गया, एक डो की फॉर्म में आ गया, यानी कि ये पैन को छोड़ने लगा है, इकट्ठा होने लगा है। तो बस इस स्टेज पर हमें केक टिन में पहले से ही ग्रीस किए हुए टिन में इसको हम पलट दे रहे हैं अच्छे से, सेट करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख दे रहे हैं। अच्छा सा ये सेट हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे। अब देखिए एक दूसरे बॉयल पर हम अपनी जो चॉकलेट है उसको मेल्ट कर ले रहे हैं। ये भी अच्छे सेट हो गया है, इसको निकाल ले रहे हैं एक प्लेट में। अब इस पर हम जो चॉकलेट्स है उसको हम अच्छे से स्प्रेड कर ले रहे हैं। आप यहाँ पर वाइट चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं डार्क चॉकलेट का ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसको चारों तरफ से अच्छे से कोटिंग करेंगे। और ये दूसरी चॉकलेट है जो हम मार्केट में से लेकर आते हैं, इसको हम अच्छे से ऊपर से स्प्रेड कर दे रहे हैं। आप किसी भी तरीके की डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। और फॉक से मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके चारों तरफ स्प्रेड कर दे रही हूँ मैं। ये डेरी मिल्क चॉकलेट है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख दे रहे हैं, अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसे कट कर ले रहे हैं। ये आसानी से कट हो जाता है, बच्चे के बर्थडे पार्टी पर या मीठा खाने का मन करे तो आप झटपट इसको बना लीजिए। ना इसे बेक करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इनो की, ना बेकिंग पाउडर की, ना बेकिंग सोडा की, ना ओवन की, और झटपट तैयार होने वाली है जे चॉकलेटी मिल्की बाइट्स, जो खाने में टेस्टी भी है और बनाना भी काफ़ी आसान है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा और कैसी बनी है जो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। आप प्लेटिंग कर ले रहे हैं, ये वाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत मुलायम, सॉफ्ट और बहुत चॉकलेटी क्रीमी होते हैं। तो